हेलो गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं डे से नाइट बनाने वाले वीडियो जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जैसा कि ये देख सकते हैं भाई ने वीडियो बनाया है, इस वीडियो पे मिलियंस में लाइक चला गया हुआ है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकता है। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कुछ एक वीडियो कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनवास्ट एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी का आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है, आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैची के निशान पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को सबसे पहले आपको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आपको देखना है वीडियो में आपको कोई एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं है, तो आपको यहाँ देखना है हमारा वीडियो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करते हैं। इसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे, कुछ इस तरह से मैंने वीडियो को शूट किया हूँ, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ऊपर की तरफ इशारा करना है, जैसे कि शाम के आपने हाथ से आप इशारा कर रहे हैं, यहाँ तक आपको पार्ट चाहिए। इसके बाद स्पीड टू प्ले इट कर देना है, जैसे ही आप हाथ नीचे की तरफ करते हैं तो आपको यहाँ इसके बाद देख सकते हैं हाथ से हम कुछ इस तरह से इशारा कर रहे हैं नीचे की तरफ। इसके बाद लास्ट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं। तो फाइनली मैं आपको वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ, वीडियो हमने कुछ इस तरह से शूट किया हूँ। सिंपल आपको वीडियो आसानी से आप शूट कर सकते हैं, शूट करना बिल्कुल आसान है। इसके बाद कुछ इस तरह से मैंने इशारा किया, तो आपको भी सेम इसी तरह से वीडियो शूट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो को कुछ आपको नहीं करना है, यदि आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ब्राइटनेस वाइटनेस ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इन वीडियो पर क्लिक करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ से इशारा करते हैं और यहाँ से आपको नाइट का सीन आ जाना चाहिए। सिंपल क्या करना है, वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कलर की फिल्टर पर आएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिंपल, इसे आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं अब लग रहा है जैसे कि शाम हो गया हुआ है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है कलर एडजस्टमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको हल्का नीचा कर देना है, यानी कि 20 के आसपास कर देना है, ठीक है। जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना नाइट होने लगेगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपको 5 से 6 बजे का टाइम दिखाना है, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर 40 या 41 के आसपास कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 41 कर देता हूँ, इसके बाद डन करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ करना है, यानी कि 1 से 2 सेकेंड तक का आगे लेकर आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शाम को ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग का, इस ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एडजस्ट कर चेक कर लेना है जो भी लगे। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन कर दिया हूँ, तो आपको भी स्क्रीन कर लेना है। और यहाँ से आप देख सकते हो ऑपेसिटी के कम बेस भी कर सकते हैं। इसके बाद डन करते हैं, वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन में आएंगे और यहाँ पे आपको फेड कर देना है, ठीक है। तो मैं आप फाइनली वीडियो को प्ले कर दिखाता हूँ। तो सिंपल आप बिस्कू बिल्कुल आसानी से आप इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। तो देख सकते हैं अगर इससे आपको जहाँ पे भी एडजस्ट करना है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं फाइनली वीडियो हमारा तैयार हो चुका है और एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले वीडियो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देंगे। इससे क्या होगा, वीडियो में से जो भी ऑडियो है वो आपका बाहर आ जाएगा। वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है और आपका वीडियो फाइनली यहाँ पर तैयार हो चुका है। और एक्स्ट्रा साउंड को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक साउंड लिंक भी दे दूंगा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।